जी हाँ दोस्तों, बिहार पुलिस फायरमैन यानी कि CSBC का एडमिट कार्ड आपके मोबाइल साइट पर आ चुका है। और कैसे आप उसे अपने मोबाइल फोन से ही डाउनलोड करेंगे, इसके बारे में आज मैं आपको संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। अगर आप भी दोस्तों CSBC बिहार पुलिस फायरमैन का एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आज मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि आप कैसे बहुत ही सिंपल तरीके से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी देख लेते हैं। दोस्तों सबसे आपको अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर को ओपन करना होगा और यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना होगा sarkaririzalt.com। और दोस्तों जैसे ही आप यह लिखकर सर्च करेंगे, उसके बाद आपके सामने सरकारी रिजल्ट की ऑफिशियल साइट ओपन हो जाएगी। और आपके सामने जो यहाँ पर पहला लिंक है, आपको इसी पर क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको ऊपर की तरह स्क्रॉल करना है और यहाँ पर एडमिट कार्ड में देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है पहले ही यहाँ पर पेज पर CSBC बिहार पुलिस फायरमैन सप्लीमेंट्री एग्जाम एडमिट कार्ड। तो आपको इसी पहले लिंक पर क्लिक करना है। और दोस्तों जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने अगला कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आएगा। और अब आपको यहाँ पर ऊपर की तरह स्क्रॉल करना है और यहाँ पर जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है एडमिट कार्ड क्लिक हेयर, यानी कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक हेयर पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आएगा। अब आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको डाउनलोड राइट एन एग्जाम एडमिट कार्ड पर क्लिक करना है। और दोस्तों जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आएगा। अब आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डाल दीजिए। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं, तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल के और सिंपली नीचे की तरह अपना यहाँ पर देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है। आपको इस बॉक्स में अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर चूज करना है और उसके बाद इस कैप्चे कोड को इस बॉक्स में फिल करके और सिंपली आपको यहाँ पर जो सबमिट का बटन दिख रहा है, आपको इसी सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सबमिट के बटन पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद आपका CSBC का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा और आप बहुत ही सिंपल तरीके से किसी भी दुकान पर जाकर के प्रिंट करवा सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है, तो आप हमें नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।